Good morning class, welcome back to our next class. Today we are going to study exercise 4.5 and question number 4 and 5, that is our last questions in exercise 4.5 as well as chapter 4. आज हमारा chapter 4 complete हो जाएगा क्योंकि दो ही question बचे थे, वो दोनों ही मैंने explain करने के लिए लिख रखे हैं. Question number 4 is which decimals can be expressed as rational numbers. रैशनल नंबर आप सबको पता है पी अपॉन क्यू जो फॉर्म होती है उसमें जिन जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होंगे, जिनको हम नहीं लिख सकते वो रैशनल नंबर नहीं होंगे, उनको हम रैशनल नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो यहाँ अगर हम लॉन्ग मेथड लेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी से क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन 0.66666 एंड सो लो 0.217217217 एंड सो लो 7.405050505 एंड सो लो 16.16758976536. सो बेसिकली दिस इज रिपीटिंग 666. You can return 0.6 bar. Here 217217217. This is repeating. So we can return 0.217. But in this question, in this part, there is nothing repeated. यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 500 है. कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो. इनमें तो रिपीट हो रहा था, यहाँ 6 रिपीट हो रहा था तो हमने लिख दिया 0.6 बार. यहाँ 217 रिपीट हो रहा था तो हमने लिख दिया 0.217 बार. बार मतलब वो वैल्यूज जो रिपीट हो रही हैं उनको एक बार लिखो और बार लगा दो. बार मतलब फिर वही वैल्यू बार बार आती जाएगी. यहाँ 6 है तो 6666 आएगा, यहाँ 217 है. अगर हम बार हटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 217217217, मतलब बहुत बार, जितनी बार भी लिख सके. बार को मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हमने. इस पार्ट में और इस पार्ट में कोई भी वैल्यू रिपीटिंग ही नहीं है तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. और जो लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3, लाइक दिस 0.9 बार वी विल पुट लेटर, दिस विल बी एक्स 10x एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो ये जो था ये रैशनल नंबर में हमने सॉल्व करके देखा था, तो जो वैल्यूज थी बार वाली वो तो सारी रैशनल नंबर में चेंज हो सकती है, बट जो वैल्यूज बार में नहीं चेंज हो रही हैं तो वो वैल्यूज रैशनल नंबर में चेंज नहीं होंगी. सो 0.6 बार, यस इट कैन बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर. 0.217 बार इज ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर, बट इन दिस फॉर्म क्वेश्चन आर नॉट इन द कन्वर्टेड बार फॉर्म. ये इन बार वाले फॉर्म में आ ही नहीं सकते, तो ये रैशनल नंबर में भी चेंज नहीं होंगे. इसके दो पार्ट हो रहे हैं, दोनों में ही रिपीटिंग नहीं है, उसमें भी आपको सिर्फ नो लिखना है क्योंकि वो दोनों ही रिपीटिंग कंडीशन में नहीं है. बस ए और बी पार्ट ही ऐसा था जो रिपीट हो रहे थे, जो बार में लिखे जा रहे थे वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन. इसका बी पार्ट मैंने लिया है, ए पार्ट आपको खुद करना है. ए पार्ट शायद है 3.5 बार प्लस 4.7 बार, उसको भी सेम ऐसे ही करना, आपको प्लस करना है. आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.4. अब हमें तीनों का प्लस करना है तो वी कैन राइट 0.2 बार 0.3 और इनका प्लस करेंगे तो 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9, दैट इज 0.9 बार. अब इसको हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था. क्वेश्चन नंबर 3 किसी को नहीं समझ आया हो तो वो अभी समझ सकता है. जो भी गिवन वैल्यू है उसको हम क्या मानेंगे, लेट x इक्वल टू गिवन वैल्यू 0.9 बार. वी विल गिव इक्वेशन 1. हेयर ओनली वन डिजिट इन डेसिमल. देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, अगर सिंगल डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टू डिजिट है तो हम 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से, मतलब जितने पॉइंट के बाद वैल्यू होंगे हम उतने ही जीरो लेंगे. तो 0.9 बार को हम मल्टीप्लाई, हेयर ओनली वन डिजिट इन डेसिमल पार्ट इज रिपीटिंग सो विल वी मल्टीप्लाई बाय 10. यहाँ वन ही था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 10x. जब 0.9, देखो 0.9 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
पॉइंट एक नाइन बार का मतलब क्या है, नाइन 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 ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट तक। जब हम पॉइंट टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक वैल्यू के बाद खिसक जाता है, तो ये क्या हो गया, नाइन पॉइंट नाइन 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 चलता रहेगा, और अगर इसको हटाएंगे तो नाइन पॉइंट नाइन बार, तो टेन एक्स इक्वल टू नाइन पॉइंट नाइन बार। इसका शॉर्ट फॉर्म यही है कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट को एक वैल्यू किसका दो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो दो वैल्यू से किसका दो, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो तीन वैल्यू से किसका दो। तो 10x इक्वल टू 9.9 बार, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 10x माइनस एक्स, ये 10x है इसमें से हम माइनस करेंगे एक्स को, 9.9 बार इसमें से हम माइनस करेंगे 0.9 बार, तो 9x 10 माइनस 1 इज व्हाट, 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब देखो 9 बार से 9 बार तो 0 हो गया, 0.9 माइनस 0 इज व्हाट 9, तो ये क्या बन गया 9.0 या फिर 9, 9x इक्वल टू 9, इधर 9 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 9 दैट इज 1, 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने बताया था होल इंटीजर्स होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि 1 के नीचे भी हम क्या पुट कर सकते हैं 1, और ये किस फॉर्म में है p अपॉन q, तो ये रैशनल नंबर में है। वैसे इसको बताना नहीं था कि रैशनल नंबर में है या नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि 1 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। फोर्थ तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ए और बी पार्ट तो यस आएंगे और बाकी सब में नो आएगा। फिफ्थ का मैंने बी पार्ट तो करवा दिया है, ए पार्ट बचा है जो कि ये 3.5 प्लस 4.7। बस आज एक ही क्वेश्चन है जो आज आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।